हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम एक नया टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे मोस्टली जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं जो एंजियोस्पर्म थे वो मोस्ट रिसेंट मोस्ट एडवांस मोस्ट इवॉल्व एंड मोस्ट कॉन्स्पिकुअस प्लांट है और इनमें काफी डाइवर्सिटी पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ साइज इन द फॉर्म ऑफ हैबिट हैबिटेट लाइफ स्पैन उनका न्यूट्रिशन काफी डिफरेंट टाइप का होता है तो फर्स्ट हम करते हैं जैसे हैबिट हैबिट ऑफ है जो हैबिट है का का डिटरमाइन किया जाता है उसकी हाइट कैसे है एंजोस्पम की उनका ड्यूरेशन कितना है उनका नेचर कितना है स्टेम का तो इस बेस पर हैबिट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेनली हर्ब श्रब्स एंड ट्री तो अदर टाइप्स के भी होते हैं जैसे ट्रेलर क्रीपर ट्विनर्स क्लाइंबर्स ये सारे हैबिट्स में ही आते हैं तो फर्स्ट हम करते हैं हर्ब्स हर्ब्स में जो प्लांट्स की हाइट होगी वो लेस देन टू मीटर होगी तो इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे बीट बटरकप श्रब्स में मीडियम साइज की हाइट होगी इंक्लूड है जैसे रोज जैस्मिन ट्रीज में जिनकी हाइट काफी ज्यादा होगी और उनमें एक वुडी स्टेम प्रेजेंट होगी जिन्हें हम ट्रंक कहते हैं इसमें आ जाते जितने भी हमारे ट्री है पाइनस कैजोराइना पीपल वगैरह एक्स्ट्रा ट्रेलर्स में आएगी जो स्प्रेड करते हैं ग्राउंड के ऊपर इसमें एग्जाम्पल यूफॉर भी है क्रीपर में भी जो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करते हैं लाइक ग्रास ट्विनर्स में क्या होगी उनकी जो स्टेम होती है वो काफी वीकेंड होगी उन्हें एक स्पोर्ट की जरूरत होती है क्लाइंबर में भी उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हेल्प करता है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ने में जैसे उनके पास, पास हो होगी हुक्स होगी तो इसकी एग्जाम्पल जैसे है ग्रेप वाइन लाइनर्स में आएंगे ये वुडी ट्विनर्स होते हैं एपीफाइड में जो किसी और प्लांट के ऊपर लाइव करते हैं या सर्वाइव करते हैं एग्जाम्पल में वांडा तो आपने ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखनी है और इनमें क्या डिफरेंस है ये आगे हम फर्दर वीडियोस में करेंगे ट्रेलर क्रीपर ट्विनर्स एंड क्लाइमर में क्या क्या डिफरेंस है तो नेक्स्ट हम करते हैं लाइफ स्पेन लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग जो एनजस प्लांट उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है फर्स्ट इज एनुअल सेकेंड इज बाइनियल एंड थर्ड वन इज पेरिनियल एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को एक ही सीजन में कंप्लीट कर देते हैं मीन्स उसमें एक सीजन में ही वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है लाइक वीट मेज पी एंड ग्राम इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक सीजन में ही कंप्लीट हो जाती है बाइनियल में दो सीजन चाहिए होते हैं उसको फर्स्ट सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो करेगा नेक्स्ट सीजन में वो सीड ग्रो करेगा लाइक रेडिस एंड कैरेट फर्स्ट सीजन में तो वो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं लेकिन जो उसके सीड्स होते हैं वो समर्स में प्रोड्यूस होते हैं तो इसकी एग्जाम्पल में आपने रेडिस एंड कैरेट याद रखना है पेरिनियल में होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्रूट बियर करते हैं हर साल लाइक like हम एग्जाम्पल में बता देती हूं जैसे मैंगो है मैंगो को हमने एक बार उगाया तो वो पहले तो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा फिर उसके बाद हर साल वो फ्रूट भी देता रहेगा मीन्स उसमें पेरिनियल है बियर फ्रूट एवरी ईयर और इसके एग्जाम्पल में मैंगो हो गया अगेव बेम्बूज ये सारे पेरिनियल में होते हैं मीन्स वो पहले तो वेजिटेटिवली ग्रोथ करेंगे बाद में वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करते हैं नेक्स्ट हम करते हैं हैबिटेट हैबिटेट को नेचुरल होम कहते हैं तो हैबिटेट में फर्स्ट है जैसे हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट इक्वेटिक में ग्रो करेंगे इक्वेटिक रीजन में ग्रो करेंगे उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स एग्जाम्पल योस्ट्रा एंड थैलेसिया ये दो ही ऐसे एंजोस्पम है जो सी में ग्रो करते हैं ये आपने याद रखना है मैरीन वाटर में दो ग्रो करने वाले एंजोस्पम के नाम फ्रेश वाटर में लाइक वॉल्फिया लेमना पिस्टिया हाइड्रिला ट्रैपा इशोर्निया ये सारे फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं मीजोफाइट मीजोफाइट वो होते हैं जो मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं लाइक सनफ्लावर मलवरी जीरो में ड्राई कंडीशन में रहते हैं लाइक अकेशिया हो गया सर्कुलेंट में जो अपने सेल्स में म्यूसी और वाटर को स्टोर रखते हैं लाइक ब्रायोफाइलम हो गया यू हो गया ओपनशिया हो गया तो इस ए, एक ये एग्जाम्पल है सर्कुलेंट्स की नेक्स्ट है एमोफाइट्स जो सैंडी हैबिटेट में रहेंगे तो ये टर्म्स आपने मेनली याद रखनी है सैंडी हैबिटेट वाले को पैसेमोफाइट कहते हैं लिथोफाइट्स कहते हैं लिथोमीज रॉक्स के ऊपर जो ग्रो करेंगे रॉकी सस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करने वाले प्लांट्स नेक्स्ट है, है हेलोफाइट हेलोफाइट में जो सलाइन मीन सॉल्टी रीजन में ग्रो करते हैं लाइक जो भी हमारे मैंग्रोव्स प्लांट है लाइक राइजोफोरा ये सारे हेलोफाइट्स हैं नेक्स्ट हम करते हैं न्यूट्रिशन इन एनजोस्पम मोस्टली जो एनजोस्प्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक्स अपना खाना खुद ही बना लेते हैं पर कुछ ऐसे एंजोस्पाम्स हैं जो हिट्रोट्रॉपिक्स भी हैं मीन दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अब जो हिट्रोट्रॉपिक है वो आगे फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड है लाइक सेप्रोफाइट पैरासाइट एंड इंसेक्टिवरिस सेप्रोफाइट्स में अपने दो एंजुस्पर्म्स याद रखने हैं मोनोट्रोपा ये अक्सर एग्जाम में पूछेगी क्वेश्चन में है कि सेप्रोफाइटिक एंजोस्पर्म का आपने नाम बताना है तो उसमें ऑप्शन में मोनोट्रोपा लिखा होता है तो नेक्स्ट आगे है पैरासाइट पैरासाइट दो टाइप के हो सकते हैं लाइक होलो पैरासाइट एंड हैमी पैरासाइट होलो मीन्स वो टोटली totally ही पैरासाइट होगा पूरी लाइफ किसी और होस्ट बॉडी पे ही डिपेंड करेगा हैमी मीन्स पार्शली पैरासाइट होगा तो इसमें एग्जाम्पल आएंगी होलो में कसकटा जो स्टेम पैरासाइट है रेफलेशिया जो रूट पैरासाइट है आर से आप याद रख सकते हो आर से रेफिलेशिया एंड आर से रूट पैरासाइट हैमी पैरासाइट में पार्शली इंक्लूडेड होगा इसके एग्जाम्पल में विस्कस तो विस्कस एक स्टेम पैरासाइट है मीन्स बट ये पार्शली है सेंटलम में रूट पे ये पैरासाइट होगा तो आपने इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है होलो एंड हैमी की नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उनको मार कर अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं जो ये मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी सॉइल में वहां पे ग्रो करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन दी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो हमें बता है जैसे सबसे पहले जो पार्ट होता है रूट प्लांट का उसके बाद स्टेम आती है स्टेम के बाद लीव्स हो गए फ्लावर्स हो गए फ्रूट सीड ये सारे पार्ट ऑफ प्लांट है तो फर्स्ट हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट रूट एक नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का तो इसके पार्ट्स करते हैं हम टिपिकल रूट्स के क्या होते हैं जो रूट है उसके पास पांच पार्ट्स होते हैं फाइव पार्ट्स होते हैं फाइव रीजन होते हैं फर्स्ट रीजन है उसका जैसे रूट कैप सेकेंड है ग्रोइंग रीजन और इसका अनदर नेम मैरिसमेटिक जोन भी कहते हैं इसे थर्ड जोन है जोन ऑफ इलोंगेशन फोर्थ जोन है रूट हेयर जोन एंड मिच्योरेशन जोन एंड फिफ्थ जोन है जोन ऑफ मिच्योर सेल्स तो ये आपने पांचों के पांचों जोन याद रखने है. First हैं फर्स्ट हम कहते हैं जैसे रूट कैप रूट कैप रीजन में जो कैप होती है वो मोस्टली पैरनक्राइमेटिस मल्टी सेलुलर से बनी होती है वो सक्रिय करती है म्यूसिलेज स्टार्च ग्रेन होते हैं उसके पास ताकि वो ईजिली से सॉइल में पेनीटेट कर पाएं नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है जितने भी इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें रूट कैप एबसेंट होती है इंस्टेड ऑफ रूट कैप उसमें रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं तो इसमें एग्जाम्पल कि जैसे लेमना पिस्टिया इशोर्निया तो ये 2017 के एग्जाम में भी आया गया है कि इशोर्निया में रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन था शायद कि रूट पॉकेट्स किस में प्रेजेंट है तो ऑप्शन में था इशोर्निया नेक्स्ट पॉइंट है जो रूट पॉकेट्स है वो कभी भी रीजनरेट नहीं हो पाती मीन्स एक बार अगर खराब हो जाए तो वो दोबारा से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाती है नेक्स्ट जोन है मैरिस्मेटिक जोन मैरिस्मेटिक से ही समझ में आ रहा है कि ये जोन होगा जिसमें काफी डिवीजन होती होगी नेक्स्ट जोन है मैरिस्मेटिक जोन मैरिस्मेटिक जोन से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें डिवीजंस होगी न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो ये मैरिस्मेटिक जोन है जो रिपीटेड डिवीजन करता है और ये आइसोडर्मेटिक मैरिस्मेटिक सेल से बना होता है एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स नेक्स्ट जोन है इलांगेशन जोन इलोंगेशन जोन में लैक ऑफ पावर ऑफ डिवीजन। अब इसमें डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होगी जितनी भी डिवीजन होनी थी वो मैरिस्मेटिक जोन में हो चुकी है रूट की इस जोन में सिर्फ वो इलांगेट करेगा लेंथवाइज ताकि जो रूट की है वो लेंथ इंक्रीज हो सके नेक्स्ट पॉइंट है मिच्योरेशन जोन मिच्योरेशन जोन को हम रूट हेयर जोन कहते हैं क्योंकि इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस जोन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं तो ऑप्शन में आता है मिच्योरेशन जोन इलांगेशन जोन मेरिस्मेटिक जोन तो आंसर आएगा मिच्योरेशन जोन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें जितने भी प्राइमरी टिश्यू हैं लाइक जाइलम फिलोम पेरीसाइकल मिच्योर इस रीजन में होते हैं हैविंग रूट्स हेयर ये मैंने आपको बता दिया और इस रीजन में ही वाटर की ऑब्जॉर्बेशन ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ही रूट हेयर प्रेजेंट है तो रूट हेयर ही तो वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ मिच्योर सेल इस रीजन में जो रूट का पार्ट होगा वो सॉइल के साथ बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा मिस प्लांट को एंकर करने में हेल्प करता है इसमें कोई भी वाटर की ऑब्जॉर्बेशन नहीं होती है लेटर रूज राइजेस होती है तो आप इस फिगर में देख सकते हो जो शो कर रही है जोन ऑफ ए टिपिकल रूट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट उसका जो पार्ट था वो रूट कैप था नीचे उसके बाद मैरिस्मेटिक जोन आ गया जिसमें सबसे ज्यादा डिवीज़न होती है देन इलोंगेशन जोन जिसमें जो इलोंगेट होगा इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होती नेक्स्ट जे नेक्स्ट जोन है रूट हेयर जोन जिसे हम कहते हैं मिच्योरेशन जोन भी होता है और इस रीजन में जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे लास्ट जो ऊपर वाला रीजन है द रीजन ऑफ मिच्योर सेल जो हेल्प करता है फॉर द बाइंडिंग विद दॉयल नेक्स्ट हम कहते हैं रूट सिस्टम रूट सिस्टम तीन टाइप का है जैसे टैप रूट सिस्टम है सेकेंड वन इज फिब्रस है एंड लास्ट वन जैसे एडवेंटेशियस रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम में मोस्टली ये या यह में प्रेजेंट होता है फिब्रस मोनोकोट्स में प्रेजेंट होगा एंड एडवेंटिशियस रूट्स दोनों मोनोकोर्ट एंड डायकोट दोनों में प्रेजेंट होती है जो टैप रूट होती है उसमें जो प्राइमरी रूट फॉर्म होती है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड सीड का जो रेडिकल पार्ट होता है उससे प्राइमरी रूट बनती है और इसमें जो प्राइमरी रूट होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती है मीन्स प्राइमरी रूट नहीं होती सेकेंडरी रूट ज्यादा होती है इसमें नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट में जो रूट डेवलप होती है वो रेडिकल से नहीं होती किसी और प्लांट से या और पार्ट ऑफ प्लांट से डेवलप होगी लाइक नोड इंटरनोड इससे जो रूट डेवलप होती है उसे हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं मेनली आपने ये याद रखना है कि टैप रूट इज प्रेजेंट इन ने डाई कोड इन मोनोकोट और ये दोनों में और जो टैप रूट है वो रेडिकल से होती है और एडवेंटिशियस रेडिकल से ना होकर किसी प्लांट के और पार्ट से डेवलप होती है तो आप इस फिगर में देख सकते हो जो इसकी प्राइमरी रूट है वो ज्यादा डिवेलप हुई है जो बाद में सेकेंडरी रूट है वो काफी कम है मीन्स वो ये डीप पर भी है प्राइमरी रूट फिब्रेस में इसमें कोई भी आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि प्राइमरी रूट कौन सी है ज्यादा सेकेंडरी रूट दिखाई गई है।, है वो किसी पार्ट ऑफ एडवेंटेश प्लांट से डेवलप होती है जैसे इसमें स्टेम जैसे इसमें शुगर केन में बताया गया है कि जो रूट है वो नोड से डेवलप होती है तो उसे हम कहते हैं एडवांटेजियस रूट सिस्टम दैट्स इनफ फॉर टुडे आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कोई डाउट भी रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना थैंक यू सो मच